कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये खाना जो बन रहा है आज वितरण का, इस खाने का, और इसमें सहयोग कर रहे हैं हमारा, देखिए दीपक जी थोड़ा इधर देखिए, ये दीपक जी हैं हमारे, और आलू की कटाई चल रही है। मोनू शुक्ला जी, प्रांजल, ये जो है देखिए कितनी तल्लीनता के साथ, प्रांजल शुक्ला उर्फ मोनू, कितनी तल्लीनता के साथ मिर्ची की कटाई हो रही है। इनको इस चीज़ का गम नहीं कि मिर्ची इनकी आंखों में लग जाएगी। बगल में राजनारायण तिवारी सर हैं, ये भी अपना भरपूर सहयोग कर रहे हैं। सर मेरी तरफ देखिए थोड़ा सा, नौ दिन का उपवास है ना सर? उपवास होते हुए भी, नवरात्रि का उपवास 9 दिन का धारण करने के बावजूद भी जो है पूरी मेहनत से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और भाई 9 दिन का नहीं है, 9 दिन का बात तो मैं खंडन करता हूँ। चढ़ती उतरती है, पहला दिन और अंतिम दिन, पहला दिन और अंतिम दिन। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी देखिए आलू की कटाई हो रही है और सफाई पूर्वक ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद टमाटर की कटाई है, और आज ये तहरी बटने का पूरा प्रोग्राम है। लगभग 200 से 300 बच्चों को खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, लगभग 500 हो जाएगा, और बढ़ भी सकता है। पूरे पैकेट आ चुके हैं, 500 के पैकेट आ चुके हैं बनने के लिए, आज का टारगेट ही है 500 का सर। तो ये वितरण कार्यक्रम अभी चालू होगा, जैसे ही ये बनता है उसके बाद वितरण कार्यक्रम चालू हो जाएगा हमारा। और आज किस एरिया में बटने जा रहा है सर? आज ये पूरा ये जार टाउन में जितने भी, ये जार टाउन, टैगोर टाउन, दरभंगा में जितने भी रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जितनी भी बड़ी बस्तियां हैं, ऐसी बस्तियां जहाँ पे मजदूर वर्ग रहता है, जैसे संगम पेट्रोल पंप के पीछे वाली बस्ती हो गई, ठीक है ना, इधर चले जाइए, ये जो केपी के सामने, केपी के सामने इधर दरभंगा में चले जाइए, यहाँ पर जितने भी ये मजदूर वर्ग और जितना आपका ये रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, आज इनका पूरा टारगेट रखा गया है, और आज ये 500 का टारगेट पूरा करना है, कम ज्यादा नहीं होगा। आज 500 मतलब 500, अगर 500 से कम हुआ तो फिर बनेगा, और 500 से ज्यादा हुआ पूरा मैं खाऊंगा। इस लॉकडाउन में देखिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, और ये तो खाना वितरण चालू रहेगा हमारा इसी तरह, कर्तव्य भी बनता है। जितना हो सके आप लोग भी मदद करिए अपने आसपास पड़ोस की। मैं तो बार बार वीडियो दूसरों को लोगों को बताया हूँ कि जितना भी हो सके आप लोग अगल बगल अपने सहयोग करिए, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो लेबर का कार्य करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, है ना, या दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों को इस समय जो है मदद की बहुत आवश्यकता है, हम लोग बढ़ चढ़ के आगे आए। आज जो है लॉकडाउन का ये 8वां दिन है, 7 दिन बीत चुके हैं, आज 8वां दिन है। हमारी एक्सिस सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं लगातार पिछले 7 दिन से
ना भोजन बनाने में, पैक करने में और वितरित करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। लगभग 3 से 4 दिन हम लोगों ने भोजन का वितरण किया और लगभग 3-4 दिन हम लोगों ने खाद्य सामग्री का वितरण किया। और यहाँ से भी जैसा आप देख रहे हैं, देखिए पीछे बहुत सारा गेहूं, चावल इत्यादि रखा हुआ है और जो लोग आ रहे हैं उनको गेहूं, चावल, दाल जो भी हो सकता है वो दिया भी जा रहा है और इसके अलावा भोजन का भी वितरण चालू है। तो दोनों तरह से लोगों का सहयोग किया जा रहा है और हम भी आप लोगों से बस यही निवेदन करते हैं कि जिन जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे उन सभी लोगों से मेरा यही अनुनय विनय है कि आप सभी लोग अपने आसपास पड़ोस की मदद करिए जितना भी यथा संभव हो सकता है। कोई भी व्यक्ति आपके जो संपर्क में है, जो आपके पास में है, वो भूखा ना रहे, ये आपातकालीन स्थिति है और स्थिति में संयम और धैर्य हम सभी लोगों को बनाना है। दोनों गाड़ियों का पास जो है डीएम जी के द्वारा बनवाया गया है और इन्हीं दोनों गाड़ियों से ये वितरण कार्य होगा। अभी इसमें हम सरकार का धन्यवाद देते हैं जिसने इस पावन काम के लिए जो है परमिट बनाया ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें और भोजन उपलब्ध करा सकें उनको। पूरी टीम हमारी लगी हुई है
इस दिशा में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में? थोड़ा तो मैं उन गधों के लिए बोलना चाहूँगा जो फेसबुक पे ज्ञान देते हैं या कैमरा धर के लिए बताएं, है ना। देखिए, कम से कम पूरे फेसबुक पे कम से कम 500 बार ये मैसेज आया होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 200 एनजीओ हैं, है ना, जाने कितने समाज सेवी हैं, कोई कार्य नहीं कर रहा है। और जब फोटो और वीडियो डाली मन क्या कहेंगे कि ये लोग जो है किसी को खाना खिलाते हैं तो फोटो और वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर। मतलब ये जितने मूर्ख लोग हैं, मतलब पहले बताया ना, आजकल सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग फेसबुक पर पाए जाते हैं, अपना अपना ज्ञान बांटते हैं लोग। पहले गधे कहेंगे कि यूपी में 2 लाख एनजीओ है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। और जब उनको कार्य करके दिखाइए तो ये कहेंगे कि ये सोशल मीडिया पर जो है फोटो और वीडियो डाल रहे हैं, है ना। बिल्कुल, मतलब ये गधे लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो खुद ना कुछ करेंगे, है ना। और जो करने वाले लोग हैं उन पर बात करें तो ऐसे, हालांकि जो वही लोग हैं जो कार्य नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी दूसरे के कार्य पर उंगली वही व्यक्ति उठाएगा जो खुद काम चोर होता है, जिसको कोई कार्य नहीं करना है, सिर्फ फेसबुक पे ज्ञान बांटने के सुबह साहब, और खुद को कोई ज्ञान नहीं है, है ना। हमें देखिए, और इन गधों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है। हमारी एक्सक्यूज सोसाइटी साल भर कार्य करती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो ये बस तर्पण का मामला हो, है ना, चाहे ये पर्यावरण पर कार्य हो। आज जो ये देश जो है महामारी से इतना जूझ रहा है, वहां पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये लोगों का, ये मेन वीडियो और फोटो का ये उद्देश्य होता है, इससे और लोग प्रेरित होंगे। बिल्कुल, कम से कम हमारा वीडियो और फोटो देखकर कम से कम हमारे 10 विद्यार्थियों ने कार्य शुरू किया। इस वीडियो का यही उद्देश्य है। और बच्चों ने बाकायदा कमेंट बॉक्स में हमको ये मैसेज किया है, जो गधे ये बात करते हैं मूर्ख, वो जाके कमेंट बॉक्स में देखें। कम से कम मेरे 10 बच्चों ने ये मैसेज किया है कि सर, मैं आपके काम को देख कर प्रेरित होके मैं अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि गधों को केवल कमियां निकालना है, कुछ काम तो करना नहीं है, ये सब खाली है। ये सिर्फ फेसबुक पे बैठ कर ये गधे बकवास करेंगे, इनको काम तो करना नहीं है। तो तुम जैसे लोगों की बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या है, हमें क्या करना है, हमको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना ज्ञान बांटिए फेसबुक पे बैठ के। ये संदेश कायदे से जाना चाहिए। ये देखिए, आप लोगों के सामने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो गया है बटने के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। फाइनल हो गया, ठीक है, वितरण कार्यक्रम चालू होगा इसका। और पुण्य का गांव है, भोजन के द्वारा होता है।